हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए, हर एक जानकारी के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल पाएँ और बीएड से जुड़ी हर एक जानकारी, ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल पाए यहाँ से। जैसा कि आप सभी को मैं इससे पहले बता चुका हूं कि काउंसलिंग को लेकर के क्यों डिले हो रहा है, काउंसलिंग क्यों लेट हो रही है। कुल 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेंडिंग है, यानी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और एग्ज़ाम होते होते ही आपका ये समझ लीजिए कि अगस्त का तीसरा सप्ताह निकल जाएगा और उसके बाद में फिर उनका रिज़ल्ट आएगा। तो अगस्त पूरा इसी में ही निकल जाना है और ये है कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जानी है। तो आप ये मान के चलिए कि अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। बात यहाँ पर करने ये वाले हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि 2023 में जो लोग बीएड करने जा रहे हैं उनकी सरकारी कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। भाई सरकारी कॉलेज में फ़ीस कितनी लगेगी, क्योंकि प्राइवेट की तो आप सभी जान चुके हैं 51,250 रुपये फ़ीस लगनी है, जो कि ऑफिशियली जारी कर दिया गया है कि फ़ीस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन सरकारी कॉलेज की कितनी फ़ीस होगी, तो आइए हम लोग लिस्ट में चलते हैं। तो दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि सभी एडेड कॉलेज जो हैं, सबकी एडेड कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है। सबसे कम फीस की अगर बात करेंगे तो सबसे कम फीस जो होती है वो महिला विद्यालय जो होते हैं, महिला डिग्री कॉलेज जो होते हैं, उन कॉलेजों में सबसे कम फीस होती है। ये मान के चलिए आप 3,500 से लेकर के 5,500 ये फीस रहती है, ठीक है, जो महिला डिग्री कॉलेज हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे जो ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जिनमें महिलाएं भी भाग ले सकती हैं और पुरुष भी भाग ले सकते हैं, यानी जो सबके लिए, उन कॉलेजों में जो फीस है वो मैक्सिमम 12,500 फीस है, ठीक है। तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस इक्वल नहीं है, जैसे कि प्राइवेट के लिए एक फ़ीस निर्धारित 51,250 लगनी है, तो इसी प्रकार से किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ीस से बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये मान के चलिए, ठीक है। लेकिन फ़ीस, मैक्सिमम फ़ीस की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी जो फ़ीस है वो 12,500 फीस आपकी लगेगी, ठीक है, 12,500 फीस लगेगी। हो सकता है 8,000 हो, 7,500 हो, मतलब सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। और सबकी सीटें भी अलग अलग होती हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है, और इस कॉलेज की, जिसका नाम है जय नारायण पीजी कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ये सभी के लिए को एजुकेशन, जिसमें 25-25 सीटें हैं, ठीक है, 25-25 सीटें हैं। और वहीं पर बात करें कि ये महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, ये भी लखनऊ का ही है, फीमेल एडेड कॉलेज है, सरकारी है, इसमें देख रहे हैं 30 और 20 सीटें हैं। ये जो 30 और 20 सीटें आप देख रहे हैं, पहली जो 30 सीट है ये आपकी आर्ट और कॉमर्स के लिए, ठीक है, मतलब आर्ट वाली और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं इतने लिए जाएंगे, और 20 साइंस और एग्रीकल्चर वाले। तो इस प्रकार से सीटें रहती हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि फ़ीस को लेकर के सभी जो कॉलेज हैं सबकी अलग अलग रहती है, यूनिवर्सिटी में कम फीस रहती है और बाकी में अलग अलग फ़ीस रहती है, ठीक है। जय हिंद सभी को।